हाय, मेरा नाम है दुष्यंत और आप देख रहे हैं चले ट्रेकिंग दुष्यंत शर्मा के साथ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप देहरादून कैसे पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में ट्रैक करने के लिए आपको या तो देहरादून या फिर ऋषिकेश आना पड़ता है। ट्रैक्स जैसे कि हर की दून, केदारकांठा, गोमुख तपोवन, केदारताल, दयारा बुग्याल, इन सभी ट्रैक के लिए आपको अपनी जर्नी देहरादून से शुरू करनी पड़ती है। दूसरी तरफ पे देवरीताल चंद्रशिला, पांगड़चुला, वैली ऑफ फ्लावर्स जैसे ट्रैक के लिए आपको अपनी जर्नी ऋषिकेश से स्टार्ट करनी पड़ती है। अब आप ऋषिकेश कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए मैंने एक और वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देहरादून की बात करें तो देहरादून पहुंचने के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। आप फ्लाइट से, ट्रेन से या फिर बस से भी देहरादून पहुंच सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डायरेक्ट फ्लाइट देहरादून एयरपोर्ट के लिए। अब ये आपका सबसे आसान एंड फास्टेस्ट तरीका है देहरादून सिटी पहुंचने का। देहरादून एयरपोर्ट जो कि इंडिया के ज़्यादातर एयरपोर्ट्स के साथ वेल कनेक्टेड है, अगर आपको अच्छे रेट पे फ्लाइट टिकट्स मिल रही हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी फ्लाइट टिकट बुक कर लें। अब एयरपोर्ट से देहरादून सिटी पहुंचने के लिए आपको 32 किलोमीटर की जर्नी करनी पड़ती है, जिसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट है आपका प्राइवेट कैब। अब यह ऑप्शन थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप 4 से 5 लोगों का ग्रुप है या फिर आप अपने फ्लाइट में को पैसेंजर्स के साथ क्लब कर सकते हैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शन ले लें। देहरादून सिटी जाने के लिए आपको 1000 रुपये की कैब लगती है, जो कि आप एयरपोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर टैक्सी स्टैंड से बुक कर सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है कि आप अपना शेयर्ड टैक्सी या फिर शेयर्ड बस लेके आप देहरादून सिटी पहुंचें। अब इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपको एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस पर पहुंचना है, जहां से आपको मेन हाईवे पर जाने के लिए ई रिक्शा या फिर ऑटो मिलते हैं। ये आपसे 50 से 100 रुपये लेते हैं मेन हाईवे पे ड्रॉप करने के लिए। अगर आप वॉक करके जाना चाहते हैं तो आप 1.5 से 2 किलोमीटर वॉक करके हाईवे पहुंच सकते हैं। अब हाईवे पे पहुंचने के बाद आप किसी भी आती जाती बस या फिर शेयर टैक्सी को रोक सकते हैं। अगर उनके पास सीट अवेलेबल है तो आपको बिठाने के लिए कैब या बस रोक लेंगे। इस जर्नी के लिए आपको सिर्फ 50 रुपये लगते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली देहरादून सिटी ड्रॉप करती है। ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें आप फ्लाइट लेके अच्छे टाइम से देहरादून सिटी पहुंच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है आपका दिल्ली के लिए फ्लाइट और फिर दिल्ली से देहरादून का सफर। पर इससे पहले मैं आपको एक टिप दूंगा। अगर आप दिल्ली और देहरादून की फ्लाइट देख रहे हैं और उसमें सिर्फ 1000 रुपये का फर्क है, तो आप देहरादून के लिए अपनी फ्लाइट बुक कर लें। ऐसे में आप अच्छे टाइम से देहरादून सिटी पहुंच सकेंगे और अपना काफी टाइम भी बचा सकेंगे। पर अगर आप दिल्ली फ्लाइट लेके पहुंच रहे हैं तो देहरादून ट्रैवल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बस। ये ऑप्शन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा और आपको बताऊंगा कि मैं पिछले कई साल से देहरादून बस में ट्रैवल कर रहा हूं, और वो इसलिए क्योंकि देहरादून के लिए दिल्ली कश्मीरी गेट बस स्टैंड से नॉन स्टॉप बसेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ऐसे में मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर दिल्ली के लिए मेरी फ्लाइट या फिर ट्रेन डिले हो जाती है तो मुझे पता है कि कश्मीरी गेट बस स्टैंड से देहरादून जाने के लिए और बसेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इस बस स्टैंड से देहरादून जाने के लिए आपको 7 से 8 घंटे की जर्नी कवर करनी पड़ती है, जिसके लिए आपके पास वॉल्वो बस एंड रेगुलर बस दोनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और सेकंड ऑप्शन है आपका ट्रेन। इसको मैं कहूंगा कि आप बैकअप ऑप्शन की तरह रखें, और वो इसलिए क्योंकि दिन के टाइम देहरादून ट्रैवल करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही ट्रेन का ऑप्शन अवेलेबल है, जो कि है जनशताब्दी एक्सप्रेस। ये ट्रेन आपकी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से दोपहर के 3:20 पर चलती है, जो कि आपको देहरादून रात के 9:15 पहुंचाती है। ये टाइम थोड़ा सा लेट है देहरादून पहुंचने के लिए, और ट्रेन में आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है क्योंकि आपके पास एक ही ट्रेन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऐसे में मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बस का ऑप्शन प्रेफर करें और ट्रेन का ऑप्शन आप एज अ बैकअप ऑप्शन रखें। तो ये थे आपके फर्स्ट टू ऑप्शंस अगर आप दिल्ली दिन के टाइम पहुंच रहे हैं तो। और अगर आप दिल्ली शाम के टाइम पहुंच रहे हैं, जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपको ओवरनाइट जर्नी करनी पड़ेगी और स्ट्रेट अपने बेस कैंप की जर्नी कंटिन्यू करनी पड़ेगी,
पर फिर भी अगर आप दिल्ली शाम के टाइम पहुंच रहे हैं तो देहरादून ट्रैवल करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फर्स्ट है बस एंड सेकंड है ट्रेन। तो बस की अगर मैं बात करूं तो आपको सुबह की ही तरह कश्मीरी गेट बस स्टैंड पहुंचना है, जहां से आपको देहरादून जाने के लिए रात के 12 बजे तक नॉनस्टॉप बसेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपके पास वॉल्वो, सुपर डीलक्स एंड लोकल बस तीनों के ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। तो ऐसे में आप रात के टाइम कोई भी बस लेके देहरादून पहुंच सकते हैं। अच्छी बात यह है कि रात के टाइम आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, जिससे कि आप 7 घंटे के अंदर देहरादून सिटी आराम से पहुंच सकते हैं। ये था आपका फर्स्ट ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन है आपका ट्रेन। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि आपके पास दो ट्रेन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ट्रेन है आपकी नंदा देवी एक्सप्रेस, जो कि दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात के 11:50 पे चलती है और आपको सुबह 5:40 पे देहरादून स्टेशन पे ड्रॉप कर देती है। सेकंड बस है आपका मसूरी एक्सप्रेस। ये ट्रेन मैं आपको कहूँगा कि आप इसको प्रेफरेंस ना दें, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस पे ये ट्रेन कई बारी लेट हुई है। ये ट्रेन को आप बैकअप ऑप्शन की तरह भी ना रखें, मैं आपको कहूँगा। तो अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास बेनिफिट ये है कि आप आराम से सोते हुए देहरादून सिटी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये थे आपके दो ऑप्शंस अगर आप दिल्ली शाम के टाइम पहुंच रहे हैं तो। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ देहरादून ट्रैवल करने के लिए कई ऑप्शन शेयर करे। इसमें से काफ़ी ऑप्शंस मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करे हैं, जो कि आपको आपका देहरादून ट्रैवल प्लान करने में मदद करेगा। सो नेक्स्ट टाइम ये सारी इन्फॉर्मेशन एंड टिप्स आप बुकिंग करते हुए ध्यान में रखिए। अगर आपको देहरादून ट्रैवल से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी चाहिए, या अगर आपको कोई डाउट है, तो आप नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट छोड़ सकते हैं, या फिर आप हमें डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं info@indiahikes.com पे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन एंड उसके साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि टाइम टू टाइम आपको ट्रैक से रिलेटेड और ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। एंड ट्रैक से रिलेटेड और ज़्यादा एक्साइटिंग स्टोरीज, फोटोज एंड वीडियोज देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।